नमस्कार। पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास विषय की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम पाठ्यक्रम को शुरू करें, उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें पदार्थ विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। हम सब चिकित्सक बनने आए हैं और चिकित्सक बनने के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसमें से बहुत सा ज्ञान हमारी दार्शनिक पृष्ठभूमि में निहित है। हम कहते हैं आयुर्वेद अनादि है, शाश्वत है, नित्य है, और आयुर्वेद का जो शाश्वत तत्व है वो उसके सशक्त सिद्धांतों के कारण है। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वह सृष्टि के आदि सिद्धांत ही हैं। अतः आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझने के लिए सृष्टि के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। पदार्थ विज्ञान जैसे जो विषय हैं, इनमें दर्शन का ही समावेश किया गया है। ये कहा गया है आयुर्वेद के अवतरण का जब वर्णन किया गया कि अपनी दिव्य दृष्टियों से महर्षियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सामान्य विशेष आदि षड कारण ही थे, और उसी पर ही आधारित ये चिकित्सा है। तो सामान्य विशेष जैसे सिद्धांतों का वर्णन मूल रूप से वैशेषिक दर्शन में मिलता है। तो ये बात सर्वविदित है कि अगर हमें किसी सिद्धांत को समझना है, उसको अध्ययन करना है, तो वो मूल रूप से जिस ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं हमें वहां पर उनको खोजना होगा। और आयुर्वेद ने प्रायः सभी दर्शनों से सिद्धांत लिए, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ढाला और फिर उनका प्रयोग किया। आयुर्वेद अवतरण से ये लिया हुआ है कि जो ऋषि मुनियों की आरोग्य प्राप्ति की इच्छा थी, उनके रोगों में जो बाधक हो रहे थे, उसी लक्ष्य को केंद्रित करके आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए थे। दर्शन शास्त्र में भी सुख की प्राप्ति और दुख का नाश उसका लक्ष्य है। आयुर्वेद का लक्ष्य आरोग्य की प्राप्ति और रोगों का नाश बताया हुआ है कि समग्र आयुर्वेद के सिद्धांतों को हम अच्छी तरह समझ सकें, उसके लिए पदार्थ विज्ञान का ज्ञान हमें आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रमाण, बिना प्रमाण के आयुर्वेद का ज्ञान संभव नहीं है। चरक ने आप्तोपदेश को सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना। आप्तोपदेश मीन्स कि आप्त पुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्य, अर्थात जिसमें राज्य और तम बहुत अल्प मात्रा में हो, सत्व गुण की बहुलता होती है, ये उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जबकि दर्शन शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आप्त पुरुष का लक्षण न्याय शास्त्र में मिलता है, आयुर्वेद ने भी वर्णन किया है, और न्याय शास्त्र तो हम यूं कह सकते हैं कि वो प्रमाण विवेचन उसमें विस्तृत रूप से मिलता है, उसी का ही पर्याय है। आयुर्वेद ने प्रमाण शब्द के लिए परीक्षा और विज्ञान उपाय शब्द का प्रयोग किया। चरक ने उसको प्रमाण का प्रयोग किया, लेकिन उसके लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया, और आप्तोपदेश को उन्होंने सर्वोपरि माना। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और उन्होंने उसमें एक युक्ति प्रमाण की भी उसमें कल्पना की। इन चार प्रमाणों से हम आयुर्वेद से संबंधित बहुत विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुश्रुत ने विज्ञान उपाय शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए, प्रमाण के लिए। विज्ञान उपाय का अर्थ है विशेष ज्ञान का उपाय। आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कारण कार्यवाद। कारण कार्यवाद सिद्धांत प्रमुख रूप से दर्शन शास्त्र से ही लिया गया है। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन हो, या फिर शरीर की उत्पत्ति का वर्णन, या रोगों के कारणों का वर्णन, रोगों की चिकित्सा का वर्णन, कार्य कारणवाद सिद्धांत वहां पर स्टिक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर हम उस सिद्धांत को
पदार्थ विज्ञान में समझेंगे तो हम उसका प्रयोग बहुलता से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आयुर्वेद में सृष्टि का वर्णन अच्छे से किया गया है, लेकिन सृष्टि का सबसे हमें अच्छा वर्णन और पहले जो वर्णन किया गया है वो सांख्य दर्शन में मिलता है। सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक माना है। आयुर्वेद ने चरक में अहंकारी के साथ साथ उसके भौतिक स्वरूप को भी ग्रहण किया है। न्याय सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, अव्यव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान इत्यादि जो पदार्थ बताए हैं उसी का वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में किया गया है। बिना गुणों के आयुर्वेद में चिकित्सा संभव नहीं है। चरक ने 41 गुण बताए, गुणवादी गुण 20 बताए हैं और गुणों का वर्णन मूल रूप से वैशेषिक दर्शन में मिलता है और प्रशस्त पाद सहित टोटल 24 गुणों का उल्लेख वैशेषिक दर्शन में किया गया है। न्याय दर्शन में प्रमाण और प्रमेय का वर्णन मिलता है तो योग दर्शन में मोक्ष का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद ने भी मोक्ष का वर्णन विस्तार से किया हुआ है। आयुर्वेद वाङ्मय में पूर्व जन्म, सृष्टि का विकास एवं लय, पुनर्जन्म, जीवन, मृत्यु, आयु, दुख, सुख, मन, बुद्धि, आत्मा जो दैनिक जीवन में विचार की परिधि में आते हैं उन सब का वर्णन उसमें किया गया है। आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है और उसको अगर हमें और गहराई से समझना तो हमें योग दर्शन को समझना होगा। मीमांसा दर्शन में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। आयुर्वेद में दैव्य पैश्य चिकित्सा का जहाँ वर्णन किया गया है वहां पर कर्म कांड बतलाए गए हैं और कर्म कांड का मूल आधार मीमांसा दर्शन है। देवी देवताओं की पूजा करना एवं कि ज्वर में राय यक्षमा में बताया हुआ है कि इनकी पूजा करने से हमें चिकित्सा में लाभ मिलता है। विभिन्न संस्कार बताए हुए हैं और इस प्रकार के कर्म कांड की व्याख्या का वर्णन मीमांसा दर्शन में मिलता है। मन आत्मा संबंधित वर्णन चरक ने शरीर स्थान में किया हुआ है। वस्तुतः इसकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है और उसी में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। स्वभाव परमवाद का सिद्धांत, किशन बंगुरवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन के सिद्धांत है। सत्व, रज और तम का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है और सांख्य दर्शन में भी किया गया है। हम ये कहते हैं जिस व्यक्ति का सत्व अल्प होता है वह मानसिक रोगी शीघ्र बनता है। सत्व अल्प होता है उन्माद उसी को होगा, ठीक है, और अपस्मार भी उसी को ही होगा। अब सत्व, रज, तम मूल रूप से क्या है उसके लिए हमें दर्शन शास्त्र में जाना होगा, पदार्थ विज्ञान पढ़ना होगा, वहीं पर इसका वर्णन मिलता है। अभी स्वभाव परमवाद सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो स्वभाव परमवाद सिद्धांत की स्वभाव से नाश होना अर्थात जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश स्वभाव से होना ही होना, उत्पत्ति में कारण है। हम कहते हैं कि चिकित्सा में क्या प्रयोजन है अगर रोग पैदा होने के बाद नाश को प्राप्त होंगे। तब ये बौद्ध दर्शन ने इस प्रयोजन को, इस प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट किया है। अतः हम देखते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनका मूल दर्शन शास्त्र में निहित है और दर्शन शास्त्र पदार्थ विज्ञान में बताया गया है। अतः मन, आत्मा, काल, दिशा, पंच महाभूत जैसे विषय मूल रूप से जहाँ वर्णित है हमें वही अध्ययन करने चाहिए पहले, उसके बाद हम अपने निर्दिष्ट जो हमें वांछित है वहाँ पर विषय वांछित है वहाँ पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।